प्रेस वार्ता करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। आपको जानना चाहिए कि यह हाल क्यों हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य और व्यवहार का अंतर हमको साफ दिखाई देने लगा। कहते ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे पहला निर्णय लिया अपनी सत्ता में आते ही, वो क्या था? वो था जो 150 रुपए का समर्थन मूल्य पर किसानों को बोनस दिया जा रहा था, उसका एक आदेश जारी किया और कहा कि जो भी प्रांतीय सरकारें ये बोनस देना प्रारंभ रखेगी उसका हम प्रिक्योरमेंट पीडीएस के अलावा बंद कर देंगे, अर्थात वो बोनस बंद करा दिया। दूसरा निर्णय था, एक के बाद एक किसानों के खिलाफ जमीन हड़पने के अध्यादेश लेकर आए, जिसको राहुल गांधी जी ने दृढ़ता से लड़ाई लड़ी और आखिरकार भाजपा की सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तीसरी बात थी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना लेकर आ रहा हूं। उस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हाल यह है कि निजी कंपनियों ने 40,000 करोड़ रुपए कमाए और आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी के प्रांत गुजरात ने वो योजना बंद कर दी। एक के बाद एक 6 प्रांतों ने उस योजना पर ताला लगा दिया, क्योंकि वो किसानों की नहीं धन्ना सेठों के मुनाफे की योजना थी। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं एक पीएम आशा स्कीम लेकर आ रहा हूं, प्राइस डिफिशियंसी स्कीम। जब भी बाजार में फसलों के दाम कम मिलेंगे तो केंद्र की सरकार इंटरवीन करेगी और अपनी तरफ से किसानों को वो आर्थिक मदद पहुंचाएगी ताकि किसानों का उसका नुकसान ना हो। 2021-22 में 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने बताया कि उसमें से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रिवाइज एस्टिमेट में सिर्फ 1 करोड़ रुपया कर दिया और एक भी पैसा खर्च नहीं किया। इस बजट में उस योजना में सिर्फ 1 लाख रुपए का प्रावधान था। प्रधानमंत्री जी ने इस देश को किसानों की तरक्की का जो वादा किया था उसका हश्र क्या किया। 2020-21 से लेकर आज 23 तक 80,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर बजट के खर्च ही नहीं किए, वो सरेंडर कर दिए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपए की बड़ी बातें कही, वो लोन की योजना थी जिसमें सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए के लोन लिए थे। कहने का आशय ये है कि किसानों से जो वादा किया था उसके खिलाफ काम किया। और आपको चौंकाने वाला एक तथ्य और बताता हूं, इन्होंने कहा कि हम पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए सालाना किसानों को देंगे। पहली बात तो 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर इनपुट कॉस्ट खेती की लागत बढ़ा दी, 2,86,000 करोड़ रुपए हर साल किसानों की जेब से प्रधानमंत्री जी निकाल लेते हैं। और उस योजना में भी 2,30,00,000 किसानों का नाम काट दिया गया। सबसे अधिक नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश के किसानों का। ना जाए शान से, जहां मणिपुर में बेगुनाह हाथ धो रहे हो जान से, जहां धन्ना सेठों के सर पर सत्ता की सरपरस्ती का ताज हो, जहां युवाओं पर गिराई जा रही बेरोजगारी की गाज हो, जहां बेटियों की हर ओर लूट रही लाज हो, वहां न चुप रहेंगे हम, कहेंगे हाँ, कहेंगे हम, हमारा न्याय, हमारा न्याय, हमें जनाब चाहिए, हमें जनाब चाहिए। पत्रकार साथियों, देश के अग्रणी नेता राहुल गांधी जी ने एक नई क्रांति का सूत्रपात किया था। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक नई चेतना समूचे राजनीतिक जगत में, सामाजिक जगत में प्रसारित और प्रचारित करने की उन्होंने कोशिश की। उसका परिणाम भी हमको देखने को मिला। बेशक वो राजनीतिक संदर्भों में उसकी विवेचना नहीं कर सकते, मगर वो देश के प्रधानमंत्री जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की न्याय की योजना को रेवड़ियां बताते थे, वे अब खुद भी गारंटियों के नाम से उसे प्रचारित करने लगे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि उस भारत जोड़ो यात्रा की, जो विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कारों का हमारा देश था, जिसकी बहुलता पर खतरा मंडरा रहा था। कम से कम उस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से वो स्वर आज आम जनमानस में प्रतिबिंबित होने लगे हैं। और इस देश में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का
वातावरण निर्मित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी उसमें उसको कदम पीछे खींचने के लिए राहुल गांधी जी ने मजबूर किया। एक दूसरा बड़ा कदम हम लोग उठाने जा रहे हैं 14 जनवरी से मणिपुर से लेकर मुंबई तक 20 मार्च 66 दिनों तक हम 6,700 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। 15 राज्यों के 110 जिलों में वो यात्रा होगी जो लगभग 100 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी। हम इस देश के नागरिकों के लिए न्याय की बात कर रहे हैं क्योंकि बीते 10 सालों में जो इस देश ने देखा है कि देश का किसान, देश का युवा, देश का नौजवान, देश की बेटियां, देश का जवान सब लोग प्रताड़ित किए गए, दलितों का दमन इस देश ने देखा है। आप याद करिए बरेली की रैली में फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसान भाइयों में आपकी आमदनी दोगुनी कर दूंगा। आज 2023 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार का एनएसएसओ ये रिपोर्ट जारी करता है कि देश में किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रहेगी। का नाम उस प्रधानमंत्री का जो 6,000 रुपए सालाना देते हैं उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश के किसानों का हुआ है। तिल तिल कर तड़प तड़प कर किसानों को एक साल तक जो 3 कानून लेकर आए थे काले क्रूर कानून तड़पाया गया और उनकी मंशा के खिलाफ वो कानून बनाए। दूसरा बड़ा विषय है इस हिंदुस्तान में वो है महंगाई का। आज जनता त्राहिमाम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी आपने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया था कि किसान भाइयों ऑयल सीड्स को अच्छा पैदा करो ताकि हमको एडेबल ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़े। आपके कहने के बाद किसानों ने ऑयल सीड्स की पैदावार खूब बढ़ाई प्रधानमंत्री जी, लेकिन बताइए देश को वो कौन दो धन्ना सेठ है जो तेल के कारोबार में कूदे और तेल की कीमतों में आग लगे। प्रधानमंत्री जी देश पूछना चाहता है कि पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से आपके किस धन्ना सेठ दोस्त ने एग्रीमेंट किया और उसके बाद दाल की कीमतें 230 रुपए तक प्रति किलो पहुंच गई। क्या दाल का उत्पादन कम था? इस देश को दाल 24 मिलियन टन चाहिए, उतना उत्पादन करते हैं। 25 मिलियन टन दाल का उत्पादन हुआ लेकिन दाल के दामों में आग लगी। आपने 2017 की मैं बात याद दिलाता हूं, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे अच्छी डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी हम लेकर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, एक महिला ने उनके ट्वीट के नीचे पूछा, उसमें देखिएगा आप रिकॉर्ड पर आज भी उनका ट्वीट कि क्या योजना है ये, तो उन्होंने कहा जब भी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होंगे वो सीधे हम ट्रांसलेट कर देंगे और नागरिकों की जेब में उसका लाभ पहुंचा देंगे, और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े भी तो उसका नुकसान जनता को नहीं होगा। आज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस $20 पर बैरल तक पहुंच गए थे, तब भी तेल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम प्रधानमंत्री जी डीजल और पेट्रोल क्यों 100 रुपए के पार हुआ। इस डीजल के दाम का सबसे बड़ा खामियाजा किसानों को भी भुगतना पड़ा देश की जनता के साथ साथ, तो महंगाई की आग में देश को झोंक दिया और 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके देश के नागरिकों की जेब पर डाका डाला गया। बेरोजगारी का आलम यह है कि देश का नौजवान त्राहिमाम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 2014 में थी तब जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारा था वो 52%, आज घटकर वो 38% पर चला गया। 20 से 24 साल के युवाओं 44% तक बेरोजगारी की दर अभी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट ने बताया, तो देश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। प्रधानमंत्री जी देश के पहलवानों को तिल तिल कर तड़पा तड़पा कर दिल्ली के दरवाजे पर आपने घसीट घसीट कर मारा है, जो गोल्ड मेडल आपके हिंदुस्तान के लिए जीत कर लेकर आए थे प्रधानमंत्री जी। ये देश पूछना चाहता है आपसे, इस देश के साथ एक अन्याय और हुआ, वो अन्याय ये हुआ है कि आर्थिक असमानता इस हद तक बढ़ गई कि देश के 1% लोगों के पास देश के 40% तक संसाधन पहुंचे हैं। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि 100 लोगों ने इस कोविड की क्राइसिस के दौरान 54 लाख करोड़ रुपया अर्जित किया है। इसका अर्थ जानते हैं, 1.5 वर्ष तक हिंदुस्तान का जो बजट है
उतना पैसा 100 लोगों के पास पहुंचा है, और अंतिम 50% के पास कुल संसाधनों का सिर्फ 3% पैसा प्रधानमंत्री जी पहुंचा है। 12 करोड़ लोगों ने रोजगार गवा दिया, 84% लोगों की आमदनी घट गई, लेकिन आपके धन्ना सेठ 12 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं प्रधानमंत्री जी, और किसान की आमदनी 27 रुपए प्रति। मथुरा में